तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल बी आर का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि इसके तीन पार्ट में से सेकंड पार्ट होगा। और आज की वीडियो में हम गोकू वर्सेस ब्रोली की फाइट को बहुत ही इंटेंस होते हुए देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप पहले उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो जाइए और पहले उसे एंजॉय कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू ब्रोली को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद ब्रोली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाता है। वो बोलता है कि उसे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। गोकू काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है ब्रोली की ताकत एकदम से बढ़ गई है। एकदम से ही ब्रोली बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसकी स्पीड पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है। पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि गोकू इस अटैक को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसके चेहरे पर स्माइल होती है और उसकी बॉडी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लग जाती है। ब्रोली एकदम से आगे गोकू को पंच मारता है, पर गोकू अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। पर जैसे ही गोकू की बॉडी ने खुद को डिफेंड किया होता है, एकदम से ही वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि उसके चेहरे पर हल्की सी खरोच आ गई है, जिसका मतलब ये है कि ब्रोली का अटैक गोकू के डिफेंस से ज़्यादा मजबूत था। एकदम से हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू को देख के फिर से चिल्लाता है और एकदम से ही अपनी कोनी से गोकू पर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू को इस अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है बहुत बढ़िया ब्रोली, अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ब्रोली गोकू पे लगातार पंचेस की बरसात करने लग जाता है और गोकू सिर्फ अपने आप को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता। उसने अभी तक ब्रोली पे एक भी अटैक नहीं किया होता। ब्रोली एकदम से गोकू के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को बचा लेता है। पर एकदम से ही गोकू कुछ तभी नोटिस करता है। हम देखते हैं कि ब्रोली की किक बहुत तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ रही है और गोकू इस बारी खुद को बचा नहीं पाता। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज़बरदस्त किक गोकू के चेहरे पर मार देता है। गोकू के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा होता है और वो पीछे जाके गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एक भी पल के लिए रुकता नहीं है, एकदम से ही वो अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और उसके दोनों हाथों में अटैक चार्ज हो रहा होता है। आखिरकार ब्रोली अपने इस अटैक को गोकू पर शूट कर देता है। ब्रोली के पिछले अटैक के बाद गोकू पीछे जाके गिर रहा था, एकदम से ही वो बैक फ्लिप मार के अपने आप को संभालता है। ब्रोली का अटैक ऑलरेडी गोकू तक पहुँचने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि गोकू भी उसके लिए रेडी है। आखिरकार एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली के चेहरे पर स्माइल है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से चौंक जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली तक पहुंच गया होता है और उसने ब्रोली के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मार दिया होता है। गोकू बोलता है कि ये काफ़ी बड़ी बात है, अभी ये फॉर्म कम्प्लीट नहीं है, पर फिर भी मैं तुम पर अटैक कर पाया। चलो अब इस बारी मेरी बारी है। एकदम से ही गोकू एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के ब्रोली के चेहरे पर जड़ देता है। हम देखते हैं कि ब्रोली इसके बाद पीछे जाके गिरने लग जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। गोकू इसके बाद एक काफ़ी अलग सा फाइटिंग स्टांस लेने लग जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू एकदम से ही किक्स की बरसात करता है और ब्रोली से चौंक जाता है। गोकू ने अपने किक से किसी तरीके का अटैक चार्ज किया होता है और एकदम से ही वो अपने पैर से ये अटैक ब्रोली की तरफ शूट कर देता है। ये अटैक ब्रोली की छाती से जाके टकराता है। ब्रोली इस अटैक से काफ़ी घायल हो गया होता है और उसके मुँह से फिर से खून निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पर स्माइल है, पर वो एकदम से ही गायब हो रहा होता है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली के बिल्कुल सामने पहुंच गया है। गोकू ब्रोली से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही था? गोकू इसके बाद बहुत सारे पंच एकदम से ही ब्रोली की छाती पर मारने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। इसके बाद गोकू एकदम से अपने पैर को पीछे करता है और एकदम से आगे बढ़ के हम देखते हैं कि गोकू उछलता है और एकदम से ही अपने घुटने को ब्रोली के मुँह पर मार देता है। गोकू के चेहरे पर स्माइल होती है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली के साथ कुछ होता है, जिसकी वजह से गोकू काफ़ी चौंक जाता है। गोकू का पैर अभी ब्रोली के चेहरे से हटा भी नहीं होता, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से चिल्लाने लग जाता है। गोकू एकदम से पीछे हटता है और बोलता है, क्या? ब्रोली का शरीर लगातार बड़ा होता जा रहा होता है और उसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है। ब्रोली के ऑरा की वजह से आसपास की सारी ज़मीन टूटने लग जाती है। गोकू समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो बोलता है, ब्रोली का दिमाग नहीं, ये पिछली बारी की तरह ही हो रहा है। ब्रोली फिर से ब्रिजरकर होने लग गया है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी हो गई है और उसके प्यूपल्स पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। एकदम से ही ब्रोली फाइटिंग स्टांस लेता है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेनो से बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर तभी हम देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से चौंक जाता है। गोकू की बॉडी को खुद को बचाने का ज़रा सा समय भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि ब्रोली की स्पीड पहले के मुकाबले बहुत तेज़ हो गई होती है और एकदम से ही ब्रोली गोकू तक पहुँच गया था
और ब्रोली ने गोकू तक पहुंच के सिर्फ एक हाथ से गोकू के सर को पकड़ लिया। ब्रोली गोकू के सर को पकड़ के एकदम से ही जमीन में दे मारता है और एकदम से गोकू के पूरे शरीर को जमीन पर घिसटने लग जाता है। ब्रोली ऑलरेडी गोकू की बॉडी को काफी दूर तक घिसट चुका होता है। आखिरकार ब्रोली एक बारी और गोकू के सर को जमीन पर मारता है और इसके बाद वो गोकू की बॉडी को एकदम से ही हवा में फेंक देता है। हम देखते हैं कि गोकू को पिछले अटैक से काफी नुकसान हुआ था, उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब लगने लग जाती है और इसके बाद हम फिर से ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली अपनी माउथ बीम अटैक को चार्ज कर रहा था। ब्रोली आखिरकार अपने अटैक को गोकू पे शूट कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और ब्रोली के अटैक के रास्ते में से सही समय पे हटने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही ब्रोली के सामने पहुंच गया है। गोकू ब्रोली तक पहुंच के एकदम से बहुत ज़बरदस्त पंच बनाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू के सामने आने से काफ़ी चौंका होता है पर वो उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार है। गोकू आखिरकार अपने पंच को ब्रोली पे शूट करता है पर हम देखते हैं कि गोकू का अटैक बेकार हो जाता है क्योंकि ब्रोली आखिरी सेकंड में अपने हाथ को आगे लाके अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। पर गोकू सिर्फ एक ही पंच के बाद नहीं रुकता। हम देखते हैं कि गोकू इसके बाद ब्रोली पे लगातार अटैक करने लग जाता है। गोकू ब्रोली पे लगातार पंचेस की बरसात कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ब्रोली पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। पर ब्रोली इस वक्त अपनी बिजरकर फॉर्म में है जिसका मतलब यह है कि वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। हम देखते हैं कि ब्रोली को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच गोकू के चेहरे पर जड़ देता है। गोकू के मुंह से एकदम से खून निकल जाता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू को भी एक ओपनिंग मिल जाती है जिसके बाद वो ब्रोली के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। ब्रोली फिर से गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि गोकू ने ब्रोली के हाथ को पकड़ लिया है। दूसरे हाथ से गोकू भी ब्रोली को पंच मारने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपने हाथ को आगे लाके खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू और ब्रोली की फाइट में से बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स निकल रही होती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। हम देखते हैं कि तभी कोई बोलता है, हे भगवान, हम लोग उन्हें इतने लंबे समय से चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे। हम देखते हैं कि चिराई और लीमो गोकू और ब्रोली की फाइट को देखने के लिए उनका पीछा कर रहे थे पर उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि इन दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई है। जिस चट्टान का ये सहारा ले रहे थे वो चट्टान अचानक से ही टूटने लग जाती है और ये सब कुछ सिर्फ ब्रोली और गोकू की फाइट की फोर्स की वजह से हो रहा होता है। फाइट में एकदम से हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और एकदम से ही गोकू पे शूट कर देता है। गोकू एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाता है। गोकू बैक फ्लिप मार के खुद को संभालता है और बोलता है, ये क्या। गोकू समझ गया है कि आखिरकार इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ गया है और उसके चेहरे पे ये चीज़ साफ दिख रही होती है। हम देखते हैं कि ब्रोली अभी तक का अपना सबसे ताकतवर अटैक चार्ज कर रहा होता है और ब्रोली का ऑरा इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो चारों तरफ फैलता जा रहा होता है। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं जानता हूँ कि वहाँ अंदर तुम मुझे सुन सकते हो, मैं इस अटैक में अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ। गोकू इसके बाद अपना सबसे ताकतवर अटैक चार्ज करता है और बोलता है, कामे हामे हा। दूसरी तरफ ब्रोली भी अपने अटैक को शूट कर देता है। गोकू और ब्रोली की फाइट आखिरकार फाइनल पॉइंट पे पहुंच रही है। तो क्या आपको लगता है कि गोकू ब्रोली को हरा पाएगा या फिर ब्रोली इस फाइट में जीतने वाला है? आप लोग ये नीचे कमेंट में गैस करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।